इस कहानी की शुरुआत में हमें शमशेर नाम के शेर को दिखाया जाता है जो जू में कैद होता है और वो अपने बेटे आर्यन को अपनी जंगल की बहादुरी के किस्से सुना रहा था, जिसमें शमशेर ने जंगल के अंदर बहुत खूंखार वाइल्ड बीस्ट को अपने तेज दहाड़ से भगाया था। आर्यन इससे खुश होता है और वो भी अपने डेड से इंस्पायर होकर दहाड़ने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज बिल्ली की तरह निकलती है जिससे जू में आए सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। शमशेर अपने बेटे से कहता कि तुम कोशिश करो तो जल्दी दहाड़ना सीख जाओगे। तो आर्यन अपने डेड से कहता, क्या आप मुझे दहाड़ना सिखाना चाहते हो तो मुझे जंगल ले चलो, मैं वहीं जल्दी सीख पाऊंगा। मगर शमशेर उसे समझाता है कि हमें यहाँ पर सभी खाने की चीजें मिलती है और तुम बड़े होने के बाद दहाड़ना सीख जाओगे। वहीं बेनी नाम का गिलहरी इंसानों से ज्वेलरी छीनकर भागते हुए शमशेर से टकरा जाता है। बेनी आर्यन से कहता कि तुम्हारे दहाड़ने का सुर थोड़ा खराब था, जिससे आर्यन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। शमशेर आर्यन के न दहाड़ने की वजह से काफी दुखी था, क्योंकि आर्यन काफी बड़ा हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि जू के बंद हो जाने के बाद सभी जानवर खेलने के लिए उसके अंदर जाते हैं। वहाँ कोआला निगेल को फ्लेमिंगो परेशान करते हैं, इसीलिए शमशेर फ्लेमिंगो को मस्ती करने से मना करता है। तभी ब्रेनी ब्रिजेट नाम की जिराफ को प्रपोज करता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड बनने से मना कर देती है। वही गेम शुरू हो जाते हैं, जिसमें सभी टीम शमशेर की टीम से आगे निकल रही थी, इसीलिए शमशेर अपने टीम के जानवरों को मोटिवेट करता है कि हमें अपनी फुल पावर से गेम को जीतना होगा। वहीं आर्यन के पास उसके दोस्त आकर उसे अपने साथ थॉमसन गजेल जानवरों के झुंड के पास लेकर जाते हैं। आर्यन के दोस्त गजेल जानवरों के पास जाने लगते हैं, तो आर्यन उन्हें गेम्स में चलने के लिए कहता है, मगर वो उसकी बात को नहीं मानते, इसीलिए आर्यन उनको रोकने के लिए दहाड़ता है, जिसकी आवाज गजेल जानवर सुन लेते हैं, जिसकी वजह से थॉमसन गजेल का झुंड उनकी तरफ आने लगता है। वहीं शमशेर की टीम टर्टल को थ्रो करने को तैयार रहती है, मगर तभी शमशेर मोंटी नाम के एनाकोंडा को अपने फुल पावर से खींचने लगता है, जिससे निगेल का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से शमशेर टर्टल को खुद ही थ्रो कर देता है, जिसे रोकने के लिए दूसरी टीम के जानवर कोशिश करते हैं, मगर तभी मोंटी टर्टल को दूसरी टीम की तरफ फेंक देता है, जिससे वह आसानी से गेम को जीत जाते हैं। मगर तभी वहां पर गजेल जानवरों का झुंडा जाता है, जिससे सभी जानवर भागकर छिपने लग जाते हैं। ये देखकर शमशेर को लगता है कि आयरन की गलती की वजह से गजेल जानवरों का झुंड यहाँ पर आया है, जिससे आयरन पर बहुत गुस्सा करने लगता है। तो आर्यन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। बेनी शमशेर से कहता है कि तुम्हें आर्यन को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए कि तुम जंगल के किंग नहीं हो। तो शमशेर उसे कहता है कि मैं उसे सच्चाई बताने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सच्चाई सुनने के बाद वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए बेनी उसे समझाता है कि अगर तुमने आर्यन को अपनी सच्चाई नहीं बताई तो तुम उसे खो दोगे। वहीं आर्यन दहाड़ने की कोशिश करता है, मगर वो ठीक से दहाड़ नहीं पाता, इसीलिए वो जंगल जाने के बारे में सोचकर हरे कंटेनर में जाकर सो जाता है। शमशेर आर्यन को ढूंढते हुए पेड़ पर जाता है, जिससे वो काफी दुखी होते हैं। तभी इंसान कंटेनर को लॉक कर देते हैं, तो आर्यन बाहर निकलने के लिए अपने डैड को आवाज लगाता है। ये सुनकर शमशेर उसे बचाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है, मगर वो जू से बाहर नहीं निकल पाता और वो ट्रक वहाँ से चला जाता है, जिससे शमशेर और उसके दोस्त बहुत दुखी होते हैं। तभी शमशेर बेनी को कबूतरों को बुलाकर लाने के लिए कहता है, इसलिए बेनी कबूतरों के झुंड के पास जाता है, जहाँ पर सभी कबूतर डांस कर रहे थे। बेनी हमीर नाम के कबूतर को बताता है कि शमशेर का बेटा हरे कंटेनर में चला गया है, जिसके बारे में तुम्हें पता लगाना होगा कि वो कहाँ गया है। हमीर के साथ ही कंटेनर का पता लगाने जाते हैं। शमशेर वहाँ जाता है तो अमीर उसे बताता है कि हरे कलर के कंटेनर को स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास वाले बंदरगाह में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सवेरा होते ही सभी कंटेनर को बोट में रखकर वहाँ से समुद्र की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं आता। ये सुनकर शमशेर और उसके दोस्त स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि सवेरा होने से पहले आर्यन को बचाया जा सके। शमशेर अपने दोस्तों को समझाता है कि आर्यन को वापस लाने के लिए मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि ये रेस्क्यू मिशन है जिसमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। उसके बाद शमशेर और बेनी कचरे के कंटेनर में बैठकर जू से बाहर निकल जाते हैं। बेनी शमशेर को आयरन तक पहुंचने का प्लान बता रहा होता है, तभी कचरे के अंदर से ब्रिजेट बाहर निकलकर आती है, जिससे बेनी नीचे गिर जाता है। शमशेर ब्रिजेट को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो मोंटी बाहर निकलकर उसे बताता है कि हम सभी तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तभी शमशेर को पता चलता है कि बेनी नीचे गिर गया,
जिससे वो सभी काफी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी तक जाने का रास्ता नहीं पता था। फिर वो सभी शहर में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें अपने पोस्टर देखने को मिलते हैं। तभी शमशेर आर्यन को बहुत मिस करता है। उसके बाद कचरे की गाड़ी रुककर कचरे को खाली करने लगती है, इसीलिए शमशेर के दोस्त बाहर निकलने लगते हैं। मगर ब्रिजेट कंटेनर में फंस गई थी तो शमशेर मोंटी को गाड़ी के शीशे के सामने फेंक देता है, जिससे गाड़ी का ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो ब्रिजेट को बाहर निकाल कर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को ढूंढने लग जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर डॉग आने लगते हैं। ये देखकर शमशेर और उसके दोस्त भागने लगते हैं क्योंकि शमशेर एक डरपोक शेर था। फिर वो डॉग से बचने के लिए सीवर के अंदर कूद जाते हैं जहाँ पर उन्हें दो जुड़े क्रोकोडाइल स्टेन और कारमाइन मिलते हैं। शमशेर उनसे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पूछता है लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए निगेल उन्हें स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनकर दिखाता है जिससे उन्हें समझ आ जाता है। फिर वो दोनों क्रोकोडाइल भाई उन्हें स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ लेकर जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि शमशेर और उसके दोस्त स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो सभी बंदरगाह पर हरे कंटेनर को ढूंढने लग जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि आर्यन का कंटेनर जहाज में जा रहा है। शमशेर और उसके दोस्त आर्यन को बचाने के लिए दौड़कर जाते हैं मगर आर्यन वाली शिप वहाँ से निकल जाती है, इसीलिए शमशेर आर्यन तक जाने के लिए पानी में कूदने लगता है तो मोंटी शमशेर को कूदने से पहले पकड़ लेता है क्योंकि पानी में कूदने से उसकी डेथ हो सकती थी। आर्यन के जाने से सभी बहुत उदास हो जाते हैं लेकिन तभी टग बोट को पायलट चलाने लगता है जिससे वो सभी टग बोट के साथ समुद्र में जाने लगते हैं। लेकिन तभी शमशेर दहाड़ता है जिससे पायलट डरकर समुद्र में कूद जाता है जिससे टग बोट शिप से टकराने लगता। मगर तभी शमशेर और मोंटी टग बोट को चलाने की कोशिश करते हैं जिससे वो सभी बच जाते हैं। शमशेर धीरे धीरे टग बोट को चलाना सीख जाता है मगर उन्हें आसपास आर्यन की बोट दिखाई नहीं दे रही थी। तभी आसमान में बेनी हंस पर बैठकर आर्यन की बोट को देखने के बाद शमशेर के पास जाता है जहां पर बेनी सभी को बताता है कि आर्यन तक पहुंचने में कनाडा के एक्सपर्ट हंस हमारी मदद करेंगे। उसके बाद वो सभी हंस उन्हें आर्यन की बोट की तरफ लेकर जाते हैं जिससे शमशेर उनका पीछा करते हुए अटलांटिक ओशन को पार कर जाता है। वहीं आर्यन अकेले होने की वजह से बहुत डर रहा था जिससे अपने डेट को बहुत मिस करता है। फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहां पर शमशेर और उसके दोस्त अफ्रीका के जंगल में पहुंच जाते हैं जिसे देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। फिर वो सभी आर्यन के कंटेनर के पास जाते हैं जहां पर सभी जानवरों को कंटेनर में बिठाकर वहां से निकाला जा रहा था क्योंकि जंगल में मौजूद वोल्केनो जल्द ही ब्लास्ट होने वाला था। तभी हरे कंटेनर के अंदर से आर्यन बाहर निकलता है मगर उसके सामने हाथी होता है तो आर्यन हाथी से बचते हुए जंगल में चला जाता है, इसीलिए शमशेर आर्यन को जंगल में जाता देखकर उसे बचाने के लिए जंगल में चला जाता है और आर्यन को आवाज लगाकर सभी तरफ ढूंढने लग जाता है। तभी बेनियो से कहता है कि तुम्हें अपनी सूंघने की पावर का यूज करके आर्यन को ढूंढना चाहिए, इसीलिए शमशेर मह को सूंघते हुए आर्यन को ढूंढने लग जाता है मगर वो आर्यन की जगह एक लकड़बग्घे के पास पहुँच जाता है। ब्रिजेट शमशेर से कहती है कि तुम्हारी सूंघने की पावर कमजोर हो गई है तो शमशेर बहाना करते हुए कहता है कि काफी दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है जिसकी वजह से शिकारी पावर एक्टिवेट हो गई है, इसीलिए निगेल लकड़बग्घा को पकड़कर उसे खाने के लिए दे देता है मगर उसे खाने की बजाय छोड़ देता है जिसे लकड़बग्घा शमशेर को डरपोक कहकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी शमशेर के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम लकड़बग्घा और डॉग को नहीं खा पाए जिससे हमें लगता है कि तुम जंगल के किंग नहीं हो, इसीलिए शमशेर सभी को सच बताता है कि मैं जंगल से नहीं हूँ जिसकी वजह से मैं तुम सभी को जंगल में प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए तुम सभी यहाँ से चले जाओ। ये कहकर शमशेर अपने बेटे को ढूंढने के लिए चला जाता है जिससे शमशेर के सभी दोस्त डर कर वहाँ से जाने लगते हैं। तो बेनी उन्हें समझाता है कि शमशेर जंगल में अकेला अपने बेटे को ढूंढ रहा है इसीलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो सभी उसकी बात मानकर शमशेर को ढूंढने लगते हैं। मगर तभी वाइल्ड बीस्ट निगेल को पकड़कर वोल्केनो के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर वाइल्ड बीस्ट का लीडर जवार निगेल से मिलकर कहता है कि मैं प्रोफेट और कोरियोग्राफर हूँ। उसके बाद निगेल के सामने सभी वाइल्ड बीस्ट झुककर प्रणाम करते हैं क्योंकि वो सभी वाइल्ड बीस्ट निगेल को अपना गुरु समझते हैं जिससे निगेल को वहाँ पर काफी अच्छा लगता है। वहीं शमशेर अपने मन की आवाज सुनकर आर्यन को ढूंढने की कोशिश करता है मगर तभी उसके सामने डिफरेंट कलर के पोस्टर और एरो शो होने लगते हैं जिससे उनका पीछा करके आर्यन को ढूंढने लग जाता है। लेकिन वो सभी गिरगिट थे जिसके बारे में शमशेर को पता नहीं था, जो अपने कलर को बदलकर शमशेर को अपने साथ लेकर जाना चाहते
आते हैं ताकि उन्हें जब्बार से बचा पाए। वही जंगल में आर्यन की मुलाकात हिप्पो से होती है, मगर तभी उसकी मोम आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे बचकर भागते हुए आर्यन एक पेड़ की टूटी डाल पर चढ़ जाता है। तभी आर्यन को दो गिद्ध देख लेते हैं, इसीलिए वो दोनों गिद्ध शेर के बच्चे की इन्फॉर्मेशन जब्बार को देने जाते हैं। वहीं बेनी, मोंटी और ब्रिजेट के पास वाइल्ड बीस्ट आ जाते हैं। बेनी ये देखकर उनसे लड़ने लगता है, मगर वाइल्ड बीस्ट उसे दूर फेंक देते हैं, जिससे बेनी बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वोल्केनो के अंदर जब्बार निगल को बताता है कि आप हमारे महागुरु हैं, क्योंकि जब मुझे शेर मारकर खाने वाले थे तब आसमान से आपके टेडी ने आकर मेरी जान बचाई। तभी से हम वाइल्ड बीस्ट ने शेर से डरना बंद करके उनसे लड़ना शुरू कर दिया, जिससे मैं सभी वाइल्ड बीस्ट का लीडर बन चुका हूँ। तभी दोनों गिद्ध आकर जब्बार को बताते हैं कि हमने जंगल में शेर का बच्चा देखा। ये सुनकर जब्बार आर्यन को पकड़कर लाने के लिए विकराल वाइल्ड बीस्ट को भेजता है। विकराल अपने साथियों के साथ आर्यन को पकड़ने के लिए चला जाता है। उसके बाद सभी वाइल्ड बीस्ट निगल के सामने झुककर सलाम करते हैं, जिससे निगल बहुत खुश होता है। वहीं जंगल में गिद्ध आर्यन को पकड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। गिद्ध उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो आर्यन दहाड़कर उन्हें डराने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी बिल्ली जैसी आवाज सुनकर उस पर हंसने लग जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। इसीलिए आर्यन मदद के लिए चिल्लाता है, जिससे उसके डैड उसकी आवाज सुनकर दौड़ते हुए आकर सभी गिद्धों को भगा देते हैं। शमशेर आर्यन से मिलकर बहुत खुश होता है। आर्यन अपने डैड से कहता है कि मुझे जंगल में हिप्पो और गिद्धों ने मारने की कोशिश की, जिससे मैं बहुत डर गया। तो शमशेर उसे अपने बारे में सच्चाई बताने लगता है। तभी वहाँ पर विकराल के साथी वाइल्ड बीस्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शमशेर आर्यन को भगाने के लिए कहता है और वो दोनों भागकर एक पेड़ पर जाकर छिप जाते हैं। शमशेर आर्यन को बताता है कि मैं वाइल्ड बीस्ट से नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं जंगल में नहीं बल्कि सर्कस में पैदा हुआ था, और जब मुझे सर्कस के अंदर फर्स्ट टाइम दहाड़ना था तो मेरे सामने नकली रोबोटिक वाइल्ड बीस्ट को रखा गया, मगर मैं दहाड़ नहीं पाया और मेरी आवाज बिल्ली की तरह निकली, जिसकी वजह से मेरे डैड ने मुझे कुछ से दूर करके जू में भेज दिया। शमशेर अपने बेटे से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें झूठी कहानियां सुनाई थी, मगर तभी विकराल और उसके साथी आकर पेड़ को तोड़ने लग जाते हैं, जिससे आर्यन पेड़ से नीचे गिर जाता है और पेड़ के टूट जाने की वजह से शमशेर पेड़ के साथ नीचे खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से शमशेर बेहोश हो जाता है। तभी विकराल आर्यन को पकड़कर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेनी अपने कुछ बीटल को अपने से दूर भगाकर अपने दोस्तों को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि मोंटी और ब्रिजेट को वाइल्ड बीस्ट पकड़कर वोल्केनो में लेकर चले गए थे। तभी वहाँ पर बेनी को खाई में शमशेर बेहोशी की हालत में दिखाई देता है, इसीलिए बेनी उसके पास जाने लगता है। वहीं विकराल और उसके साथी आर्यन को वोल्केनो में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात मोंटी और ब्रिजेट से होती है। आर्यन उन्हें बताता है कि मेरे डैड खाई में गिर गए, जिससे मुझे लगता है कि वो मर चुके हैं। तभी जब्बार शेर के बच्चे को देखकर विकराल से कहता है कि मैं जब तक शेर को नहीं खा लेता तब तक मेरी हुकूमत कायम नहीं होगी, इसीलिए वो विकराल पर गुस्सा करके गिरा देता है, जिससे विकराल घायल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेनी शमशेर को मरा हुआ समझकर रोने लग जाता है, मगर तभी शमशेर होश में आकर बेनी को बताता है कि वाइल्ड बीस्ट आर्यन को पकड़कर ले गए और मैं अपने बेटे को वाइल्ड बीस्ट से नहीं बचा पाया। जिस पर बेनी उसे कहता है कि तुम वाइल्ड बीस्ट से हार नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है और लड़कर जीतना तुम्हारे खून में है, इसीलिए तुम अपने बेटे को दहाड़ना सिखा सकते हो। उसके बाद शमशेर खड़ा होकर वाइल्ड बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बेनी उसे कहता है कि हमें आर्यन को ढूंढना होगा। तभी बेनी वहाँ पर आर्यन तक पहुँचने का एरो देखता है, तो शमशेर उसे कहता है कि यह मेरे मन की आवाज है, इसीलिए वो दोनों गिरगिट के द्वारा बनाए गए साइन का पीछा करते हुए वोल्केनो के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वाइल्ड बीस्ट दिखाई देते हैं। इसीलिए शमशेर आर्यन और अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने लगता है, तो बेनी उसे रोकते हुए समझाता है कि तुम डायरेक्ट वाइल्ड बीस्ट से लड़कर नहीं जीत सकते। तभी गिरगिट बेनी से कहते हैं कि तुम शमशेर को लड़ने के लिए जाने दो, मगर बेनी को दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन तभी दो गिरगिट आपस में लड़ने की वजह से बेनी के सामने आ जाते हैं, इसीलिए गिरगिट वहाँ से भागने लगते हैं, तो बेनी उन्हें पकड़ लेता है, जिससे शमशेर को पता चलता है कि गिरगिट उसे अपने जाल में फंसा रहे थे। इसीलिए शमशेर उनसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, जिस पर उसे बताते हैं कि हम तुम्हारा यूज जब्बार के खिलाफ करना चाहते हैं, जिसने तुम्हारे बेटे और दोस्तों कैद कर रखा है, मगर जब्बार ने निगल को अपना गुरु माना है, जिससे शमशेर को आइडिया आता है कि वो गिरगिट की
मदद से वोल्केनो के अंदर जाकर अपने बेटे और दोस्तों को बचाकर ला सकता है। वही वोल्केनो के अंदर वाइल्ड बीस्ट ब्रिजेट मोंटी और आयरन को लेकर माँ गुरु के पास जाते हैं, जहाँ पर वो सभी निगल को देखकर हैरान हो जाते हैं। निगल अपने दोस्तों के पास जाता है तो ब्रिजेट उसे कहती है कि सब क्या हो रहा है, तो उसे पीटने लग जाता है ताकि वाइल्ड बीस्ट को उस पर शक ना हो। जवार निगल से जश्न की तैयारी करने के बारे में पूछता है तो निगल जवार को परमिशन देकर उसे कहता है कि खाने के मेन्यू में क्या होगा, तो जवार उसे बताता है कि ये सभी जानवर हमारे खाने के लिए हैं। उसके बाद वाइल्ड बीस्ट ब्रिजेट मोंटी और आयरन को आग में पकाने के लिए डालने लगते हैं। ये देखकर निगल सभी वाइल्ड बीस्ट को कहता है कि जश्न को शुरू करने से पहले सभी के पास टोपी होनी चाहिए। तभी शमशेर गिरगिट के साथ छिपकर निगल को ऊपर उठाकर अपने दोस्तों से दूर लेकर जाने लगते हैं, जिससे सभी वाइल्ड बीस्ट निगल को भगवान समझने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी वाइल्ड बीस्ट का ध्यान निगल की बातों पर रह जाता है, जिससे बेनी अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगता है। मगर तभी वोल्केनो के अंदर से हीट निकलने की वजह से गिरगिट अपने रूप में वापस आ जाते हैं, जिससे वाइल्ड बीस्ट शमशेर को देख लेते हैं। तो निगल वाइल्ड बीस्ट को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, मगर तभी आर्यन अपने डेड को जिंदा देखकर खुश होते हुए उनके पास जाकर वाइल्ड बीस्ट पर दहाड़ने लगता है, जिससे जवार आर्यन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर शमशेर जवार से लड़ने लग जाता है, जिससे जवार का सिंह टूट जाता है, जिसकी वजह से जवार गुस्सा होकर शमशेर को आग की खाई में फेंकने लगता है, जिससे वो चट्टान पर लटक जाता है। ये देखकर शमशेर के दोस्त उसे बचाने के लिए मोंटी की मदद से जवार को पत्थर से मारने लगते हैं, जिससे शमशेर आग की खाई से ऊपर आ जाता है। मगर शमशेर जवार के सामने टिक नहीं पाता तो आर्यन मोंटी की मदद से जवार के ऊपर जाता है, जिससे वो दहाड़ना सीख जाता है और जवार से लड़ने लगता है। मगर जवार उसे दूर फेंक देता है, जिससे आयरन घायल हो जाता है। तभी जवार आयरन को खाने लगता है तो शमशेर जवार पर हमला करके उसे दूर फेंक कर अपने बेटे के पास जाता है। तभी आर्यन अपने डेड को कहता है कि मेरे डेड आपके डेड से बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जवार सभी वाइल्ड बीस्ट को शमशेर और उसके बेटे को मारने के लिए कहता है, मगर वो जवार का साथ देने से मना कर देते हैं, जिससे जवार अकेले शमशेर से लड़ने का डिसाइड करता है। आर्यन अपने डेड से कहता है कि आपको अपनी पूरी ताकत से जवार का मुकाबला करना है, क्योंकि आप बहुत बहादुर हो। तभी जवार शमशेर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिससे शमशेर को अपने बचपन का रोबोटिक वाइल्ड बीस्ट दिखाई देता है, इसीलिए अपनी पूरी पावर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से जवार शमशेर की दहाड़ के सामने टिक नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। फिर शमशेर और बाकी के जानवर वोल्केनो से बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि वोल्केनो ब्लास्ट होने वाला था। मगर तभी जवार पर चट्टान का टुकड़ा गिर जाता है, जिसकी वजह से जवार की डेथ हो जाती है। फिर शमशेर अपने दोस्तों और बाकी के जानवरों के साथ टग बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वोल्केनो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, फिर वो सभी साथ में डांस करने लगते हैं। वहीं बेन ब्रिजेट की तारीफ करते हुए उसे प्रपोज करता है, जिससे ब्रिजेट उसे किस कर लेती है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होकर साथ में डांस करने लग जाते हैं। शमशेर सभी का डांस देखकर उन्हें अपनी तरह डांस करने के लिए कहता है, जिससे सभी डांस करके खूब एंजॉय करते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।